वेलकम टू शे बेटा चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज घर के स्टाइल में, और काफ़ी मज़ेदार रेसिपी है। एक बार ट्राई कीजिए। थोड़ा सा तेल ले लीजिए, और एक बर्तन, आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं और आपका बर्तन मोटा हो, और ये चॉप किया हुआ लहसुन, हरी मिर्ची और चॉप किया हुआ प्याज, ये सब हमने ऑलरेडी सब पहले काट के रखे हुए हैं। और उसके बाद मैं डालूँगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच। इसे अच्छे से भून ले जब तक ये भूरा ना हो जाए। और अपने गैस की आंच थोड़ा कम ही करना ताकि ये नीचे ना लगे। आज ज़्यादा आज में पकाएंगे तो नीचे जलने का डर है। और इसके बाद ये मकई के दाने हैं, आप चाहे तो इसे पहले बॉईल भी कर सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। बॉईल किया हो जाएगा तो इजी हो जाएगा पकने में। और ये भिंडी, और इसके बाद मैं डालूँगा आलू। मैंने आलू के डैस कर रखे हैं क्योंकि जल्दी पकने में आसानी हो। एक छोटे छोटे क्यूब में काटा हुआ है। और इसके बाद मैं डालूँगा थोड़ा सा ग्रीन पीस, और मैं टमाटर बाद में डालूँगा ताकि इसका एक अनोखा और चटपटा टेस्ट आए, तो इसलिए मैंने टमाटर बचा के रखे हुए हैं। ये काफ़ी मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी है, और अपने घर में आप आसानी से बना सकते हैं। और ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं मिक्स वेज के लिए। और अब मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा टमाटर ताकि इसका खट्टापन और मसालेदार लगे, और इसे भी अच्छे से मिला लें। और इसके बाद मैं डालूँगा नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, आपको कितना नमक खाना पसंद है। और ये सब सब्जियाँ आजकल आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं, कहीं भी अवेलेबल है। और ये लाल मिर्ची पाउडर हमने कम कम डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्ची पहले ही डाली हुई है। थोड़ा सा जीरा पाउडर, और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें एक मसाला एक्स्ट्रा डालेंगे, वो है चाट मसाला, थोड़ा चटपटा टेस्ट आए इसमें। ये थोड़ा सा चाट मसाला, और इसे अच्छे से मिला ले। ये काफ़ी मज़ेदार रहती है, तो हमने भी अपने खाने के लिए बनाई थी, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं अपने घरों में। कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कोई भी सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और इसी तरह इसी विधि से आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। और इसके बाद मैं डालूँगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नारियल पाउडर, आप चाहे तो फ्रेश वाला भी नारियल पाउडर यूज कर सकते हैं, या आप कोकोनट पाउडर मार्केट में मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं, और इसे भी अच्छे से मिला लें। और आप चाहे तो इसके ऊपर से एक ढक्कन का कवर रख के इजी और आसानी से जल्दी पक जाएगा। ये देखिए कितनी मज़ेदार रेसिपी रेडी हो चुकी है। थैंक यू, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन